ये देख जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए ओए तब तक इनको नहीं रिस्क लिया जा सकता, ये आज मैं इनको पीछे पीछे चला रहा हूँ। थोड़े थोड़े बर्ड घबरा रहे हैं और थोड़ा सा साइडों पे निकल रहे हैं, लेकिन जब डेली बेस पे इनको। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज ही हम अपने 3 येलो रिंगनेक्स, 2 वाइट रिंगनेक और 1 ब्लू रिंगनेक को बाहर फ्लाई के लिए लेकर जाने वाले हैं। इनमें से एक येलो उड़ना शुरू हो गया है, एक वाइट उड़ना शुरू हो गया है और वाइट उड़ के हाथ के ऊपर भी आना स्टार्ट हो गया। आज फर्स्ट फ्री फ्लाइट होगी बाहर और बाकी अभी उड़ते नहीं हैं, लेकिन आज बाहर का माहौल, बाहर उनकी ट्रेनिंग करवाई जानी है। तो आज लेकर चलते हैं अपने 6 चिक्स को, 6 कलरफुल चिक्स को आज बाहर की ट्रेनिंग और बाहर का माहौल दिखाने आपको लेकर चलते हैं और इनकी प्रैक्टिस दिखवाते हैं। ये इंशाल्लाह इनमें से 2 येलो लाहौर के लिए जाएंगे इंशाल्लाह ट्रेन होने के बाद, क्योंकि फ्लाइंग पे आना शुरू हो गया है, और 1 येलो और 1 वाइट वो भी लाहौर जाना है, यानी कि 4 पीस ही चले जाने, 2 हमारे पास रहेंगे। तो ये सारे फ्लाइट ट्रेन करके ही देखने हैं, चलते हैं इनको बाहर लेके। अभी जी इनको ला के रखा है थोड़ी देर के लिए हवेली के अंदर, मैंने कहा ज़रा नया माहौल बाहर का देख लें, मुर्गे शुरगे देख लें, क्योंकि इन्होंने नहीं देखे, कुत्ता देख ले, ईगल को देख ले, ईगल भी सामने बैठा देख रहा है कि ये क्या चीज़ें रंग बिरंगी आ गई हैं। और ये देखें थोड़े थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं, इनमें से अभी सेट हो रहे हैं मुझे देख के। गर्दने हिलाने का मकसद इनका ये है कि मेरी तरफ फुल तवज्जो है, ये चेक करें, हम फीडिंग मांगना चाह रहे हैं। तो अभी मैंने सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, एक तो थोड़ी सी धूप है और दूसरा मैंने कहा एक दफ़ा नया माहौल देख लें बाहर, क्या गर्मे रहे हैं और ये ना हो कि नए जगह पे जाके थोड़ा सा घबरा जाएं, डर जाएं, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट दी है, धूप भी कम हो जाए और इनकी रेस्ट भी, और बाकी जाके आपको फ्लाई चेक करवाते हैं। फाइनली आ चुके हैं उसी जगह पे जहाँ रिंगनेक को मैं ट्रेनिंग दे रहा था, अभी निकालने लगे हैं 2 वाइट और 1 ब्लू को, उसके बाद बारी आएगी येलोस की। अभी आपको चेक करवाते हैं इनकी प्रैक्टिस, या मेरा जहन है कि 1 वाइट को निकाल लिया जाए, देखते हैं कौन कौन से बाहर आते हैं। एक वाइट वाइट आ रहा है और ये ब्लू आ गया वाइट, और ये एक वाइट आ गया, येलो को करते हैं बंद। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि इसमें से उड़ने वाला कौन सा है। फर्स्ट डे तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो रहा है, ये फ्लाई करता है और जैसा कि मुझे आपको बताया था कि इसका मेरा दिल है कि इसको फर्स्ट टाइम डोरी के साथ उड़ाया जाए। घर में तो माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स था, सीटी इसलिए मुंह में है कि अगर उड़ भी जाए तो फौरन से मैं सीटी बजा सकूं। और आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट टाइम इनको बाहर लेके आए हैं, ये चेक करें माशाल्लाह से, चने की दाल फीड करवा रहा हूँ और ये मैंने यहाँ पे रखा है इसको। ये देख जी माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी कभार ऐसे भी हो जाता है, क्योंकि अभी सही से फ्लाइंग इन्होंने स्टार्ट नहीं की और ये देख लें दूसरी तरफ निकल गया था वाइट, और इसका ये था किसी के घर जा गिरता, वहाँ से इसको लाने में प्रॉब्लम होनी थी। और अक्सर औकात बिल्ली भी होती है, सेफ्टी लाजमी है, तो सेफ्टी ये 1 को मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि आज फंस गए हैं, थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं बर्ड। एक दफ़ा मुझे डरा दिया जिस तरह भागा हूँ मैं पीछे,
मैंने क्या समझा कि ये जनाब गए, इसको यहाँ पे रखते हैं, इधर बैठ। इस शहजादे ने उड़ के हाथ के ऊपर आना स्टार्ट कर दिया। ये घर में भी थोड़ी सी फ्लाइंग कर रहा था हाथ के ऊपर आने की, वो अभी उड़ना नहीं, उसने फर्स्ट टाइम इतना उछल के गया, वरना वो अभी उड़ता नहीं था घर में, आज फर्स्ट डे था उसका। और इसी तरीके से फिर पीछे रखता हूँ मैं इसको, साल चढ़ा दिए मुझे। ये चेक करें, तो ये है जी इनकी फर्स्ट फ्लाई, इतने बैठ जाए यार, फर्स्ट रिएक्शन कितने लगे। और फिर पीछे रखते हैं, कोशिश करनी है कि अगर बर्ड आपका फ्लाई करके आके हाथ की बजाय दूसरी जगह पे जा रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने न्यू फ्लाइंग सीखी होती है, तो आप उसको कंट्रोल करें, यानी इस तरफ मुड़ रहा है तो आप आगे हाथ करें ताकि वो आपके हाथ के ऊपर आके बैठे। ये नहीं कहना कि यार ये इस तरफ जा रहा है तो मैं खड़ा ही रहूँ, मेरी डायरेक्शन चेक करनी है आपने। ये मैंने रखा है, अब फर्स्ट डे है, डोरी के बगैर रिस्क ले रहा हूँ। ये चेक करें, तो कैच कर रहे हैं आपने, ठीक है, ये फिर रख दिया मैंने। ये देखें, आज का इशारा लाजमी है ताकि आपके हाथ का इशारा देख के ही बर्ड ने आपकी तरफ आना है, उसको पता चलना है कि ये मेरा ऑनर है, ये मुझे बुला रहा है, ये चीज़ लाजमी है। अब फिर इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, ये चेक करें। तो इसी तरीके से है जी इनकी ट्रेनिंग, और डेली बेस पे ट्रेनिंग है। अभी बिलू भी आएगा हमारे पास, ये चेक करें, यानी कि आज जो है दो बर्ड्स ने फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, एक इस वाइट ने और दूसरे उस वाइट ने। आज मुझे नहीं लगता था कि वो उड़ेगा, लेकिन उसने फर्स्ट फ्लाई अपनी भर दी है। और अभी बिलू नहीं फ्लाइंग पे आया, और आता तो उसने भी अभी उड़ना स्टार्ट कर देना था। और ये चेक करें, अभी जब इसका पेट फुल हो जाएगा, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा इसने खा लिया, इसको करते हैं बंद, ठीक है। और यहाँ पे हो येलो छोटे वाले निकालता हूँ, क्योंकि एक येलो ने भी उड़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी हाथ के ऊपर नहीं आ रहा, और उसको अभी अंदर ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा जब तक ये सही तरीके से राउंड राउंड घूम के हाथ के ऊपर नहीं आते, तब तक इनको नहीं रिस्क लिया जा सकता। ये आज मैं इनको पीछे पीछे चला रहा हूँ, साल विसल में लाजमी कर रहा हूँ, ये चेक करें फीडिंग के दौरान। ये देखें, दूसरे वाइट को और येलो को मैं नहीं निकालूंगा आज, क्योंकि जिस तरह उनको अभी उड़ने का फ्लाइंग का नहीं सही से पता, वो भी निकले जा सकते हैं, और गुम होने का भी खतरा है। उनकी अभी जो प्रैक्टिस है मैं घर के अंदर ही करवाऊँगा, ठीक है। वाइट का मुझे था, क्योंकि ये हाथ के ऊपर उड़ के आता था बड़े वाला बच्चा, इस वजह से मैंने उसको फ्लाई करवाया है। और अभी ये देखें, Thank you.
तो मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ जल्दी से फ्लाइंग से लगे और इनके ऑनर्स को ये मैं डिलीवर करूँ। एक दोनों चार हैं, उसके चार बच्चे ही लाहौर जाएंगे लेकिन अलग अलग बंदों के पास। दो अली जफर साहब के हैं और दो और एक और भाई ने, उनका वाइट और येलो है। आ जाओ इधर 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 इधर। दूसरे वाला बच्चा कैमरामैन की तरफ जा रहा है, उसको नहीं पता कि मैं इधर हूँ, वो कैमरामैन को ही समझ रहा है कि उधर से ही फीड मिलनी है। ये जो स्टेप है बहुत लाजमी होता है कि जब बर्ड उड़ना स्टार्ट ना करे तो आप उसको ये जब देखें पर आ रहे हैं और अभी चलना स्टार्ट हुआ है। आ जा तू भी आ जा। तो आप उसको बाहर लेके आएं, बाहर का माहौल इंट्रोड्यूस करवाएं। आज देखें आपने फर्स्ट डे है, थोड़ा सा इनको पता चले बाहर डरे ना, क्योंकि अगर आपने बर्ड प्रॉपर सारा ही घर में ट्रेन किया है, रूम के अंदर किया है, तो जब आप फर्स्ट टाइम बाहर लेके आएंगे तो बर्ड ऑटोमेटिक आपका डरेगा, घबराएगा, दूर जाएगा आपसे या भाग जाएगा, गुम हो जाएगा। इसलिए ये स्टेप लाजमी। आप देखें बर्ड से तकरीबन कह लें कि दो फ्लाई कर रहे हैं, बल्कि तीन जो अंदर बंद किए हैं, बाकी अभी नहीं करते, लेकिन इनको मैं लेके आया हूँ बाहर ताकि बाहर के माहौल से इंट्रोड्यूस रहें, घबराए नहीं। और ये चेक करें इनको फीडिंग करवाई आ रही है ताकि इनको पता चले। बाकियों को मैं घर जाके ज़रा ट्रेनिंग के दौरान करवाऊंगा और इनको मैंने कहा चलो आज बाहर ही, क्योंकि अभी ये उड़ नहीं सकते, इनका कोई ख़तरा नहीं है, इस वजह से मैं इनको बाहर निकाल के करवा रहा हूँ। अभी चेक करते हैं कितना कितना पेट हुआ है जी। थोड़ा हुआ है आपका, आपने ज़्यादा किए, इसने और कम किए। वैसे मैं इनको हैंड फीड भी दूसरी भी करवाता हूँ, लेकिन साथ साथ ये प्रैक्टिस के दौरान मैं चने की दाल, इसको चने की दाल को खिला देता हूँ। ये चेक करें, तूने ज़्यादा तो ये तरीक़ेकार है जो कि ट्रेनिंग के हैं। ग्रीन रिंग नेक, अफ्रीकन ग्रे, सारे ही जितने भी कैले बर्ड्स होते हैं सारे इसी तरीके से ही ट्रेन किए जाते हैं। अभी ये चेक करें, थोड़े थोड़े बर्ड घबरा रहे हैं और थोड़ा सा साइडों पे निकल रहे हैं, लेकिन जब डेली बेस पे इनको मैं बाहर लेके आऊँगा, इसी तरीके से प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो इनका कह लें कि कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा, डर इनका ख़त्म होगा और तवज्जो मेरी तरफ होगी, और प्रैक्टिस भी अगर डेली बेस पे कराई जाए तो रिस्पॉन्स भी इनका काफ़ी अच्छा ही होगा। ये अभी इनको फीड करवा रही है। आज आई होप आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके से मैं इनकी ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ, किस तरीके से इनको फ्लाइंग ट्रेन करता हूँ। और मेहनत होती है, टाइम देना पड़ता है और उसके बाद ही जाके आपको ये हाथ का इशारा लाजमी होता है, विसल और हाथ का इशारा दोनों चीज़ें ही लाजमी हैं बर्ड्स की ट्रेनिंग के दौरान, ताकि बर्ड्स को पता रहे और वो अच्छा रिस्पॉन्स करें। बस बस बस, और बाकी तीन को मैं घर जाके फ्लाइंग के दौरान करवाऊंगा। आज के लिए मेन मकसद था वाइट को ला के बाइक प्रैक्टिस करवाना, तो वाइट ने माशाल्लाह से उड़ के हाथ के ऊपर जंप अच्छे तरीके से की है, लेकिन आइंदा वाइट को भी मैं डोरी डालूंगा, रिंग्स मंगवा रहा हूँ इनके, तो एहतियात लाजमी है क्योंकि ये अगर लंबे भी निकलें तो कब्बे चीले इनको पकड़ने का ख़तरा होता है। येलो वाइट ब्लू कलर को ग्रीन रिंग नेक राह को इतना कवे चिले तंग नहीं करती जितना इनको करती हैं, तो सिक्योरिटी इनकी लाजमी होती है, एहतियात लाजमी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे ही फ्लाई ट्रेन होते हैं इनकी फ्लाइंग की वीडियोस आपको दिखा के, फिर इंशाल्लाह जैसे डिलीवर करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे,
और इंशाल्लाह मालूमात जो भी हो, जो भी सवाल हो आप बता दीजिएगा। और वैसे अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो मैसेंजर पे, फेसबुक मेरे पेज पे मेरे से रابطہ कर सकता है। अल्लाह।